राजश्यामा खन्ना रसोई में आपका फिर से वेलकम है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी है मेरी सैंडविच चीला की। इस चीले को बनाने के लिए मैंने ये आधी कटोरी सूजी ली है और ये एक कटोरी बेसन लिया है, और मैंने कुछ सब्जियाँ कट करके रखी हैं। उसमें ये दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं, एक आधा टमाटर लिया है, एक आलू क्रैश करके लिया है और थोड़ा सा पनीर का पीस लिया है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेसन को और रवे सूजी को एक बाउल में डालूंगी, एक साथ डालकर मिलाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिलाऊंगी। इसमें डालने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये मसाले हैं मेरे, थोड़ी सी आधा चम्मच अजवाइन ली है, अजवाइन मैं क्रश करके डालूंगी, और थोड़ा सा जीरा पाउडर लूंगी, आधा चम्मच जीरा पाउडर लूंगी, और एक पिंच हींग लूंगी, एक पिंच हींग लूंगी, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर लूंगी। इन सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका एक घोल बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका एक घोल तैयार करूंगी। देखिए, मैंने ये घोल तैयार करा है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। अभी मुझे पानी और कम लग रहा है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा घोल घुल गया है, घोल तैयार हो गया है। अब मैं इसको 10 मिनट रेस्ट करके करने के लिए रखूंगी। फ्रेंड्स, इसमें मैं बहुत जरा सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैंने जो ये सब्जियां काट कर रखी थी, इनका बैटर इनको एक बाउल में मिक्स करूंगी। एक बाउल में डालकर मिक्स करूंगी। ये देखिए, ये जो आलू मैंने रखा था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। स्टफिंग के लिए जो मैंने प्रिपरेशन करी, तैयारी करी थी सब्जियां काट के, वो मैं एक बाउल में सब एक साथ मिक्स कर लूंगी। ये मैंने थोड़ा सा पनीर के पीसेस करके लिए थे, उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और ये प्याज भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। दोस्तों, मैं ये सैंडविच चिल्ला सैंडविच बना रही हूँ। देखिए, टमाटर भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी। ये देखिए आधा चम्मच नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी सब्जियां अपनी अच्छे से मिक्स कर ली है। ये देखिए, इनको मैंने रफली चॉप किया है, बहुत अच्छे से नहीं चॉप किया है, मोटा मोटा चॉप किया है। आइए देखते हैं मेरा बैटर कैसा है। चिल्ले का जो बैटर बनाया था उसको भी मैं मिर्च मिलाकर मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, रेस्ट करने के लिए मैंने रखा था, अब ये मेरा बैटर बनके तैयार हो गया है। इसमें मैं जरा सा पानी और ऐड करूँगी, मुझे बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। अब मैं चिल्ला बनाना और ऐड करूंगी। पानी मैंने ऐड कर दिया है, अब मैं चिल्ला बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए ब्रेड सैंडविच चिल्ला बनाने के लिए मैंने ये चार पीस ब्रेड के लिए हैं, और सेकने के लिए ये मैंने बटर लिया है।
मैं इसे बटर में बनाऊंगी, आप घी या रिफाइंड ऑयल में भी बना के खा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने गैस पर तवा चढ़ा दिया, अब मैं गैस ऑन करूंगी। मैंने गैस ऑन कर दी है, मैं इसके अंदर इस स्टफिंग में थोड़ी सी ओरिगेनो भी मिलाऊंगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, मैं इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लूँगी और इसको अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे चीले की स्टफिंग है, ये मेरी चीले की स्टफिंग है और ये मेरा बैटर बनकर रेडी किया है मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा चिल्ला बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे चारों तरफ से फोल्ड करके ब्रेड के साथ अटैच कर दूंगी, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा बटर लगा के मैं दूसरी तरफ से भी हल्का सा सेक लूंगी। ये मेरा सैंडविच बन गया है। ये मेरा चीला ब्रेड सैंडविच बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसे ये देखिए, मेरा चीला ब्रेड सैंडविच बनकर रेडी हो गया है। इसे मैं चिली सॉस एंड टमाटो सॉस के साथ सर्व करने जा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। प्रणाम जी।